खबर है हरियाणा के गुड़गांव से। औद्योगिक कच्चे माल की महंगाई का असर वस्त्र उद्योग में भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के उद्यमियों का कहना है कि कच्चे माल की महंगाई से उनके उत्पादन की लागत बढ़ता जा रहा है। कॉटन और सिंथेटिक से लेकर विस्कोस धागे के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। कोविड-19 के कारण लगातार दूसरे साल भी वस्त्र उद्योग का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कुछ ऑर्डर तो अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों से आने लगे हैं, मगर कच्चे माल की महंगाई ने काफी दिक्कत खड़ी कर दी है। ऐसे में वस्त्र निर्यात के क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को काम में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। इस समय विदेशी बायर्स कच्चे माल की बढ़त के अनुसार दाम देने को तैयार नहीं है, जबकि उत्पादन लागत बढ़ती ही जा रही है। साइबर सिटी वस्त्र निर्यात उद्योग का हब है। यहाँ 1200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां पर वस्तुओं को तैयार कर दुनिया के कई देशों में निर्यात किया जाता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद तो इस क्षेत्र का कारोबार नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ सत्येंद्र सिंह का कहना है कि वस्त्र निर्माण से संबंधित कच्चे माल की महंगाई से समस्या बढ़ती जा रही है। देश की GDP में टेक्सटाइल अपैरल का योगदान 2.3% है। वहीं देश के कुछ औद्योगिक उत्पादों का लाभ यह 13% हिस्सेदार है। अभी अमेरिका से बेहतर ऑर्डर मिलना शुरू हुआ है। यूरोप में स्थिति अभी नहीं सुधरी है। यूरोप से सिर्फ ब्रिटेन और जर्मनी की ही उत्साह दिख रहे हैं। वस्त्र उद्योग से संबंधित कच्चे माल की कीमत में 40% तक इजाफा हो गया है। इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। अभी सरकार की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। कॉटन, सिंथेटिक और विस्कोस के अलावा बटन, वस्त्र डेकोरेशन और जिपर के दाम भी बढ़ गए हैं। पहले जिपर और लेबल जैसे आइटम के चीन और हांगकांग से कुल आयात का 2% आयात शुल्क मुक्त होता था। अब सरकार ने 1 अप्रैल से इस सुविधा को बंद कर दिया है। इससे दिक्कतें बढ़ गई हैं।